थाना दनाहा क्षेत्र में एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। बोलेरो में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए तो वहीं एक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया है। सड़क हादसा थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम रामनगर नहर के पास हुआ है। यहां जनपद फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज ग्राम मुजफ्फरपुर निवासी विनोद कुमार पुत्र वीरेश्वर सिंह अपने साथियों के साथ बोलेरो में सवार होकर मैनपुरी में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा था। जैसे ही वह बोलेरो गाड़ी से थाना दन्नाहार क्षेत्र के ग्राम रामनगर नहर के पास पहुंचा, वैसे ही बोलेरो अनियंत्रित होकर एक खड्ड में जा गिरी। खड्ड में गिरने से गाड़ी में सवार विनोद की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं गाड़ी में सवार 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही गाड़ी खड्ड में गिरी, तत्काल स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया तो वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर रविवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया है। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल हो रहा है। संजू, किसकी मृत्यु हुई है? भाई की। कैसे, क्या पूरी घटना हुई? शादी में आ रहे थे, नहर के पुल से आगे एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पे? ये धनवाई नहर पे, धनवाई नहर के पास। अच्छा, कहाँ के निवासी थे ये? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर थाना कौन सा पड़ता? सिरसागंज। सिरसागंज। तो ये किस में सवार थे? बोलेरो। कितने लोग थे? 7। 7 लोग थे। हाँ। अच्छा, जिसमें से इनकी मौत हो गई मौके पर, बाकी लोग? बाकी जो किसी से कोई आगरा रेफर कर दिया, कोई सैपई है, उसकी नहीं पे एडमिट। तो बाकी 6 लोग पूरे मतलब घायल है, एक की मौत हो गई। कुछ पता चला कैसे क्या ये हादसा हुआ? नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ शादी में कहाँ आए थे, कुछ जानकारी है? उसकी शादी में आ रहे, बोल के आया था, पता नहीं कहाँ आ रहे थे। मैनपुरी बोल के आए थे, मैनपुरी आए थे उसकी शादी में। आप कौन है? उनके भाई है। भाई